अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। आलू के फार्मर्स के लिए कुछ हिदायत थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती जब आप बेल को प्रेस नहीं करते। तो प्लीज़ शेयर करें वीडियोज़ को। वीडियो का आगाज़ बाकायदा तरीके से करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आलू के फार्मर्स के लिए हिदायत कुछ नई नहीं है, वो ये हिदायत सुनते रहते हैं, फिर भी हम इन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं दोबारा से। कटाई का वक्त, बर्दाश्त का वक्त करीब है और ये समझ लें कि दिसंबर से लेके जनवरी के औसत तक आप जो है ना उसकी कटाई कंप्लीट कर सकते हैं। इसको जनवरी तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसमें जिन बातों का ख्याल रखना है उनमें सबसे पहली बात यह कि जब भी आपने हार्वेस्टिंग की तरफ जाना है तो हार्वेस्टिंग से पहले कम से कम 2 हफ्ते पहले, 2 वीक्स पहले आपने आपाशी रोक देनी है, पानी नहीं लगाना, इरिगेशन नहीं करना। और दूसरी जो बड़ी बात है वो आपने ये ख्याल करना है कि जब भी आप हार्वेस्टिंग करें तो आप जख्मी आलू को जख्मी होने से बचाना है आपने। जब आलू जख्मी हो जाता है ना तो आप फिर आप उसे जब सर्द खानों में भेजते हो, जब उसे कोल्ड स्टोरेजेस में आप भेजते हो तो वो वहाँ ख़राब हो जाते हैं। और उसका दूसरा बड़ा नुकसान ये भी है कि आप उसे जब मंडी में भेजते हो तब भी उसकी उसके प्राइस में बड़ा फ़र्क पड़ता है। आड़ती या उसका परचेजर जो है उसको लेने में फिर थोड़ा सा हिचकिचाता है और उसका रेट भी प्राइस भी अच्छी तरीके से अच्छी नहीं लगती। तीसरी बात जिसका आपने लाजमी ख्याल रखना है वो है जी, जब आलू आप हार्वेस्ट कर लें तो फिर उसे 2 से 3 दिन तक आप कोशिश करें कि उसे साये में रखें, किसी सायेदार जगह पे स्टोर करें उसको और वहाँ इसको छोड़ दें कुछ दिन के लिए, भरने से पहले, भराई से पहले और हार्वेस्टिंग के बाद आप उसे कटिंग करके आप उसको उसके पत्तों के नीचे भी रख सकते हैं और आप उसे किसी सायेदार जगह पे भी रख सकते हैं। उसका मकसद क्या है? देखिए, उसकी जिल्द होती है ताज़ा, तो वो जिल्द जब पक जाती है तो वो ड्राई हो जाती है। जब आप उसे बाहर निकाल लेते हैं, उसकी सायदा जगह पर रख लेते हैं तो वो ड्राई हो जाती है। उसके बाद जब आप उसे स्टोर करते हैं या आप उसे बोरियों में भरते हैं तो उसकी वजह से उसके छिलके जो हैं, वो जो आलू का छिलका होता है वो ज़ख्मी नहीं होता और वो नहीं उतरता। वो नहीं उतरेगा तो उसकी वैल्यू बहुत अच्छी हो जाएगी और जब छिलका नहीं उतरेगा तो आलू ख़राब भी नहीं होगा, खराब होने से बच जाएगा। और जब भी आप उसे सर्द खानों में भेजें, मतलब कि कोल्ड स्टोरेजेस में भेजें, तो आप उसे बाकायदा अच्छे तरीके से साफ करें, साफ सुथरा करके और खुले बोरियों में जिनके सुराख अच्छे हों, बड़े अच्छे सुराख हों और हवादार हों जिसमें से हवा अच्छी तरीके से गुजरती हो, उन बोरियों में इन्हें स्टोर किया करें, भरा करें। ये कुछ बातें थी जी आलू के फार्मर्स के लिए जो हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं। आलू के बारे में और इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको इंशाल्लाह मिलेगी। और वीडियोस बनाऊंगा तो इंशाल्लाह इसमें लाजमी शेयर करूंगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप समझते हैं कि आपके कोई फार्मर ऐसे भाई हैं जो आलू की काश्त कर चुके हैं और वो हार्वेस्टिंग के करीब हैं तो प्लीज़ उनसे ये इन्फॉर्मेशन लाजमी शेयर करें, अपने फेसबुक के पेजेस पर शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मेरी वीडियोज़ उन फार्मर्स तक पहुँचे। तब तक के लिए दो में याद रखिए, नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।